अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजीम खान। हमेशा की तरह एक नई डिश बनाने जा रहा हूं। आज की डिश बड़ी ज़बरदस्त डिश है। रमज़ान के हवाले से पोटैटो कटलेट भी बनाते हैं लोग, चिकन कटलेट भी बनते हैं, पकोड़े भी बनते हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ बनती हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रहा हूं, चिकन कटलेट कैसे बनता है ओरिजिनल। मुख्तलिफ शख्स ने मुख्तलिफ तरीके से रेसिपीज़ दी हुई हैं। हमारी रेसिपी थोड़ी सी हटके होती है। कल्नरी हीरोज़ की रेसिपी आपको पता है, थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, बड़ा चटपटा बनाते हैं, और वो मैं आपको आज बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा मुझे चिकन लेंगे, चिकन ब्रेस्ट का पीस ले लेना आपने, इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। इसी को ऐसे खोल लेना है, ये यहाँ से लेना है इसको, ये कटिंग करनी है इसकी, ये ऐसे, ये है कि टूटे ना आपने, ये ऐसे कटिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे पान का पत्ता होता है। इसको हल्का सा पाउंड करेंगे ऐसे। अगर आपके पास हैमर है तो हैमर से कर लें, हैमर नहीं है तो आप ऐसे हल्का सा नाइफ से ही कर सकते हैं। ये आपने किया और इसको रखेंगे प्लेट के अंदर और इसको कर लेंगे मैरिनेशन। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले तो मैं पिंच ऑफ लूंगा पार्सली, पिंच ऑफ रेड चिल्ली, क्योंकि हम पाकिस्तानी है, जब तक चिल्ली ना खाएं हमें मजा ही नहीं आता। पिंच ऑफ पपरिका पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, बेजल, चॉप बेजल ड्राई है हमारे पास, सीजन नहीं है फ्रेश का। पिंच ऑफ व्हाइट पेपर, मस्टर्ड लूंगा तकरीबन हाफ टी स्पून, और मस्टर्ड डाल लिया हमने, इसके साथ ही जो है पिंच ऑफ गार्लिक और ऑयल, ऑयल जो है हल्का सा लगाना है आपने इसको मैरिनेट करने के लिए। 1/4 जो है इसको मैंने लगाया, टीस्पून ऐसे इसको मैरिनेट कर लें। अगर आपके पास ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा इस तरह करके अच्छी तरह की इसे मैरिनेशन करके आधे घंटे के लिए रख देंगे इसको। मैं भी इसको 10-15 मिनट के लिए रखूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम जो है शॉर्ट है। तो ये देखें इसका, इसको मैरिनेट कर लेना बेहतरीन सा। अब चाहिए होगा हमें एग, एग आपने तोड़ के रख लेना, ज्यादा एग नहीं लगाना है, एग तोड़ के रखना है। तो इसी तरह टी स्पून के साथ या टेबल स्पून के साथ, टेबल स्पून है तो एक, टी स्पून है तो दो, इसको एग को लगा लेना इसको साथ। ये एग लगा लिया हमने दोनों साइडों पे, ये इस तरह, और इसके बाद हमने लगाना है इसको मैदा, फाइन फ्लोर, ये फाइन फ्लोर लगाया, ये देखें फाइन फ्लोर लगा लिया। अब दोबारा इसी तरह टेबल स्पून के साथ एग, अगेन उसी तरह दोनों साइडों पे, और अब जो हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम, ये ब्रेड क्रम की बारी आ गई है, इसको हम इसी तरह ब्रेड क्रम में अंदर रखेंगे इस तरह, और ये ब्रेड क्रम लगा लेंगे। बहुत ज्यादा कोटिंग नहीं करनी, अक्सर लोग जो है बहुत ज्यादा कोटिंग कर लेते हैं चिकन के ऊपर, फिर चिकन का टेस्ट नहीं आता, खाली ब्रेड क्रम का आपके मुंह में टेस्ट आता है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कोटिंग नहीं करूंगा, लाइट सी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम की। ये देखिए इस तरह ये कर लिया, इसको इसके ऊपर रखने, हल्का सा इसको आप दबा लेंगे इस तरह, कितने बिल्कुल पान के पत्ते की तरह शेप बन गई है इसकी। इसको शेप ऐसे भी दे सकते हैं आप, ज्यादा मजीद पत्ता लीफ की तरह बिल्कुल हो जाएगा। अब ये बिल्कुल फ्राइंग के लिए तैयार है। इसके साथ आप वेजिटेबल भी दे सकते हैं, फ्रेंच फ्राई भी दे सकते हैं, आप इसके साथ कुछ पास्ता भी दे सकते हैं, ये शेफ के ऊपर है, शेफ क्रिएशन के ऊपर है। अच्छा ये देख लें आप, फ्राइंग के वक्त आपने तेल का ख्याल करना है कि तेल जो है बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, मीडियम रखने आपने, ये देखिए इस तरह, और इसको फ्राइंग करना है। बहुत ज्यादा इसके अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, डीप फ्राई नहीं होना चाहिए आपको, इसको रखना है शैलो फ्राई भी कह सकते हैं इसको, आप इस टाइप का इसको करना है जैसे कि आप, अच्छा ये एक साइड से हो गया बिल्कुल, अब दूसरी साइड से करते हैं। जब तक ये होता है हम अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। प्लेट में इसके साथ मैं दे रहा हूँ मैश पोटैटो, मैश पोटैटो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं या इसके साथ फ्रेंच फ्राई भी दे सकते हैं, और आप इसके साथ कोई और फ्रेंच फ्राई भी दे सकते हैं, ये और है। और साथ ही मैं दूंगा इसके वेजिटेबल्स, वेजिटेबल तो आपको पता है फ्राइंग के साथ फ्राइंग की जान होती है, ये फ्रेंच फ्राई, और साथ ही कैरेट जो हमने सोते करके रखी हुई है, जो है
और पास्ता। पास्ता आपने कोई भी दे सकते हैं आप पास्ता इसके साथ। पास्ता ये आपके ऊपर है, आप कौन सा लगाते हैं पास्ता। आप फेटुचिनी भी लगा सकते हैं और स्पैगेटी भी। मैं स्पैगेटी लगा रहा हूँ टमाटर सॉस के अंदर तीसरा। और अब ये आपका तैयार है तकरीबन, ये ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा, ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम करेंगे। आप साबुत भी रख सकते हैं प्लेट के अंदर, मैं इसको काट के लगा रहा हूँ क्योंकि ये खाने में थोड़ा इजी हो जाता है। ये और टॉप पे इसके देंगे हम पार्सली, और सॉस आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हैं। इसके साथ पेपर सॉस दें या आप इसके साथ हनी मस्टर्ड सॉस भी दे चल सकता है इसके साथ, और टमाटो सॉस भी। प्लेट बिल्कुल रेडी है, अजीज खान को दीजिए इजाजत। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर देखते रहिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।